हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलदीप राठौर के दिशा निर्देशों के अनुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुर ने प्रदेश महासचिव केवल सिंह पठानिया की अगुवाई में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के हक में रैत कांग्रेस कार्यालय में बैठक की। सभी ब्लॉक कांग्रेस संगठनों के पदाधिकारियों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के खिलाफ कृषि बिलों के विरोध में नारेबाजी की और किसान विरोधी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदेश महासचिव केवल सिंह पठानिया ने कहा कि आज देश भर में कांग्रेस किसानों के हक में केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में प्रदेश भर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर एक विधानसभा के ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं और उनके हक की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़ी हैं। पठानिया ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है तथा देश के अन्नदाता को भाजपा सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ा है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है तथा किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर कड़कती ठंड में सड़कों पर बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की बात को सुनकर उसका हल नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अपने आप को किसानों का हितैषी बताने वाले प्रधानमंत्री व सरकार के नुमाइंदे आज कहां छिपकर बैठे हैं, आज किसानों के साथ खड़े क्यों नहीं हैं? पठानिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ही बेच डाला है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता ही आज हताश परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार ने सत्तासीन रहते हुए कभी भी किसानों के साथ अन्याय नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर किसानों ने अपने हक की बात को लेकर आवाज बुलंद की तो किसानों के साथ बैठकर कांग्रेस ने उसका हल निकाला है, ना कि किसानों की आवाज को दबाया था। पठानिया ने कहा कि आखिरकार आज किसानों की आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा है और उसका हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारों द्वारा कृषि विधेयक को सही बताते हुए इसका समर्थन किया जा रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि कृषि विधेयक क्या है। पठानिया ने कहा कि किसी भी सूरत में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा तथा कांग्रेस किसानों के आंदोलन का समर्थन करेगी। हिमाचल प्रदेश में 88 विधानसभा क्षेत्रों में जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन किसानों के समर्थन के रूप में जो आह्वान किया था, वो आज सातों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने भी ये सम्मेलन जो है जो हमारे किसान लगभग 3 महीने से जो मतलब देश के बॉर्डर पे बैठे हैं उनके समर्थन को लेकर जो है आज सम्मेलन किया है। और इस सम्मेलन में भी जो तीनों काले कानून हैं वो वापस लेने की मांग हमने की है, और आने वाले समय में भी ये हमारा जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन था उसमें आने वाले समय में भी हमने ये आज प्रस्ताव पारित किया है कि तीनों बिलों के खिलाफ जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी हिमाचल प्रदेश खड़ी है, वहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कंधे से कंधा मिलाकर जो है किसानों के साथ खड़ी है। हम ये जरूर पूछना चाहते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में कि आप एक तरफ तो आप कहते थे कि किसानों की हम डबल इनकम करेंगे, और एक तरफ जब आप अपोजिशन में थे तो बार बार आप लाल किले से किसानों की बात करते थे, लेकिन आज खुद आप जो है 3 महीने से लोग आंदोलन पे हैं, किसान आंदोलन पे हैं, किसानों की मौतें हुई हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप बार बार आज भी पार्लियामेंट में अपना जो है वो आप प्रवचन देने वाले हैं, लेकिन आप जब अपोजिशन में थे आपके और आपके नेता जंतर मंतर पे किसानों की और महंगाई की बहुत बात करते थे, लेकिन आज आप जो लोग अपने हकों की लड़ाई जो तीन काले कानून आपने, और इसमें बता दूं मैं तीनों काले कानूनों में सब कुछ मैं कहता हूँ जमीन पे जमीन भी जो है उद्योगपतियों के पास चली जाएगी, जो पैदावार होगी वो भी उद्योगपतियों के पास चली जाएगी, और होल्डिंग इतनी हो जाएगी कि जो मक्की आज मैं कहता हूँ मैं 2100 रुपया क्विंटल बिकती थी, आज मैं कहता हूँ 900 और 800 रुपया क्विंटल बिकी, इसी तरीके से धान, इसी तरीके से चावल। मैं कहता हूँ कुल मिलाकर तीनों काले कानूनों में हिमाचल प्रदेश में भी जो है किसानों की जो है मैं कहता हूँ कांगड़ा जो है किसान बहुल हमारा जिला है, और सापुर में भी मैं कहता हूँ किसान बहुल हमारा इलाका है। तो हमारी आज ये जो हमने प्रस्तावना भेजी है और ये तुम्हारा प्रथम चरण है, इसके बाद हम सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे, और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जो है वो शाहपुर की जो है वो किसानों के साथ खड़ी है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं राहुल गांधी जी का
जिन्होंने की बार बार किसानों की बात जो है आज प्रियंका गांधी सहारनपुर महापंचायत में पहुंची है। हम समर्थन देना चाहते हैं, जो टकैत जी किसानों के बहुत बड़े नेता है। तो कुल मिलाकर सम्मेलन का यही तथ्य था, तीनों काले कानून वापस लें और जो उद्योगपतियों को किसानों के हितों को उद्योगपतियों के वहाँ रख रहे हैं उनको वापस लेने की बात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी करती है।